गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट आई एम योर साइंस टीचर। और बच्चों हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो इस चैप्टर में हमने मस्तिष्क, उसके तीनों भाग, तंत्रिकाएं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में और हमने आँख के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने आँख के कार्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कान। तो आइए पढ़ते हैं। कान कान वह ज्ञान इंद्रिय है जो हमारे चारों ओर की आवाज़ को सुनने में मदद करते हैं। कान हमारे संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कान के तीन भाग हैं, बाह्य, मध्य और आंतरिक। स्तनधारियों में बाह्य कान केवल बाह्य पल्ले के समान होते हैं, जिसे कर्ण पल्ली कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं कान के भाग। ये जो हम बाहर का पोर्शन है जो हमें दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं पिच्छक। और इस कान के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर एक पर्दा मिलता है जिसे बोलते हैं कान का पर्दा। और ये जो नली जा रही है इसको श्रवण नलिका कहते हैं, यानी सुनने वाली नली। और उस ये कान के पीछे का पोर्शन है उसका, इसे बोलते हैं मध्य कर्ण, पर्दे के पीछे का भाग, इसे मध्य कर्ण बोलते हैं। साथ ही इसके ऊपर ही एक संरचना और पाई जाती है जिसे अंतःकर्ण कहते हैं। फिर उसके बाद में ये जो नलिका चलती चली आ रही है इसे बोलते हैं यूटेशियन नली। तो इस तरह से ये हमारे कान की संरचना होती है। अब है नाक। नाक हमें विभिन्न प्रकार की गंध, सुगंध से लेकर दुर्गंध तक का आवास कराती है। इसके आंतरिक भाग में अनेक छोटे छोटे पंक्तिबद्ध बाल होते हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान वायु में मिले धूल कण को रोकते हैं एवं उनकी प्रकृति को भी बताते हैं। जब हम ठंड से पीड़ित होते हैं तो हमारी तंत्रिकाओं का बाहरी भाग बंद हो जाता है, फलतः हम किसी प्रकार के भोजन की गंध या स्वाद को अच्छी प्रकार समझ नहीं पाते। जीभ यानी टंग। जीभ हमें वस्तुओं का स्वाद लेने में सहायता करती है। जीभ में लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसके कारण ये खुरदरी महसूस होती है। जीभ के विभिन्न क्षेत्र हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वाद लेने में सहायता करते हैं। इसके मुख्य रूप से चार स्वाद हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो ये जो हमारी जीभ होती है इसे टंग कहते हैं। इस टंग के बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ये जो बीच का पोर्शन होता है ये हमारा कड़वा बर्ड्स होता है, यानी ये हमें कड़वा का एहसास कराता है। साइड के जो होते हैं ये होते हैं खट्टे वाले, इनसे हमें खट्टे चीज़ का पता चलता है। और उसके बीच में जो येलो कलर का दिख रहे हैं ना, ये जो एरिया होता है ये नमकीन का हमें एहसास कराता है। और सबसे आगे का पोर्शन मीठा वाला होता है। तो ये हमारे जीभ की संरचना हो गई। उसके बाद है त्वचा यानी स्किन। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका अंग है, सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम है। और ये जल से यानी वाटर प्रूफ है। इसके बाह्य भाग लगभग लाखों छोटी छोटी तंत्रिकाओं से बना होता है। और ये तंत्रिकाएं हमें दर्द, गर्म, ठंडा, दबाव आदि का अनुभव कराती हैं। ये आंतरिक अंगों की संदूषण, चोट और हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती हैं। त्वचा में लाखों छोटे छोटे छिद्र भाग होते हैं जिन्हें रोमकूप कहते हैं। इन रोमकूपों द्वारा ही पसीना बाहर निकलता है। पसीना मुक्ता पानी और धूलित नमकीन पदार्थों से उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट उत्पाद है। हमारे शरीर का पसीना निकलने पर शरीर के तापमान में गिरावट आती है। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपका होमवर्क क्या है, एक तो आपको ये कान की संरचना बनानी है, ये ड्रॉ करना है। दूसरा चित्र आपको टंग की संरचना बनानी है, ये चित्र पूरा ड्रॉ करना है। इसके बाद मैंने आपको अभ्यास में टिकदा करेक्ट करा दिए थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करा दी थी। आज आपको करने हैं सही गलत पर सही का निशान। तो पहला है पत्तियां पौधों का रसोई घर मानी जाती हैं, सही।
प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में जोड़ना या मिलाना, गलत। पौधा अपना भोजन टहनी से बनाता है, गलत। फफूंदी और मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, सही। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।